विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के अवसर पर कृषि विभाग की ओर से सोमवार को झारखंड मंत्रालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कृषि सचिव अबू बकार सिद्दीकी ने बताया कि किसानों के बीच केसिस कार्ड एवं मुख्यमंत्री पशु वितरण का कार्यक्रम होगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। कृषि मंत्री बादल भी मौके पर मौजूद थे। कृषि सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन वितरण कार्यक्रम के तहत लाभुकों के बीच पशु धन का वितरण होगा। वहीं चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 147.71 करोड़ की लागत से 62,646 लाभुकों के बीच पशुधन वितरण का लक्ष्य है। लाभुकों को पशुधन के साथ चारा पानी के लिए बोरिंग और पशुओं को रखने के लिए शेड निर्माण की व्यवस्था शामिल है। मालूम हो कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 40,000 लाभुकों के बीच 154 करोड़ रुपये के पशुधन वितरण की स्वीकृति दी गई थी।